ये ऐसा पहला अवार्ड है जो मुझे जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे मिला है। मैं नहीं प्लान करके रखती हूँ, मेरे को अचानक से जो दिखता है मैं वो पहन लेती हूँ। प्रोमोज में आई थिंक लोगों ने देखा होगा कि मैंने कैसे कुछ गेम खराब किए हैं। लॉकअप का तो नहीं, खतरों के खिलाड़ी का कुछ ना कुछ कर रही हूँ। स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है एक दो जगह, तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ बताने के लिए और मैं बता नहीं पा रही हूँ। इंडिया ब्रांड आइकन अवार्ड के दौरान सुम्बुल तौकीर ने अपने लुक को नेवी ब्लू के साड़ी से कंप्लीट किया है, जहां पर सुम्बुल ने अपने फैंस का एक बार फिर से दिल धड़का दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान सुम्बुल ने अपने अपकमिंग शोज के बारे में भी बातचीत की है। चलिए जानते हैं सुम्बुल ने अपने अपकमिंग शोज के लिए क्या कुछ कहा है। ये ऐसा पहला अवार्ड है जो मुझे जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा है कि मुझे मिला है, बिकॉज मुझे फैशन आइकॉन मिला है। सो मेरा मतलब फैशन की बात करेंगे मुझसे तो माय स्टाइल इज़ मोर लाइक यू नो कि बस कंफर्टेबल रहो, लाइक बीइंग योर ओन स्किन, इट्स लाइक दैट। इसके बावजूद मुझे ये मिला है, समझ नहीं आ रही। एक्चुअली मुझे साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है साड़ी, साड़ी सूट ये सब बहुत पसंद है। तो ये साड़ी मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, जिसके लिए मुझे ब्लाउज नहीं मिल रहा था, तो मैंने मेरी दोस्त से बोरो किया एंड वो आज मुझे मिल गया, तो मैंने बोला चलो आज ये पहन लेती हूँ। मैं वैसी हूँ यार, मैं नहीं प्लान करके रखती हूँ, मेरे को अचानक से जो दिखता है मैं वो पहन लेती हूँ। सो मेरा वैसे ही है। वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग शो है एंड बहुत मज़ा आया था वहाँ पे शूट करने में भी। मतलब ऐसा है कि इफ़ यू आर शूटिंग फॉर 12-13 आवर्स, तो हमें बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बीच में वी गेट मे बी 45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लंच के लिए, सो टाइम ही नहीं मिलता है पूरा दिन, पर इतना मज़ा आता है, ऐसा लगता है ना कि जैसे बस दोस्तों के साथ हो और पिकनिक मनाने के लिए निकल गए, इट्स लाइक दैट। तो अलग ही मज़ा आता है। और प्रोमोज में आई थिंक लोगों ने देखा होगा कि मैंने कैसे कुछ गेम ख़राब किए हैं, सो या बस आई जस्ट होप कि लोगों को वो पसंद आए, एंड आई थिंक कि पसंद आएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरटेनिंग। नहीं, लॉकअप का तो नहीं, खतरों के खिलाड़ी का अभी तक नहीं। मैं यही बोलूँगी कि मेरा जो भी काम अभी चल रहा है, इट्स लाइक कि मैं मोस्टली एक खाली नहीं बैठी हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ना कुछ कर रही हूँ, स्क्रिप्ट्स पे काम चल रहा है एक दो जगह, सो ज़्यादा मैं बता नहीं सकती यार, प्रॉब्लम वहीं पे हो जाती है। तो हाँ, मेरे को ना प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं तो अभी बोल दूँगी खुशी खुशी में, बाद में मुझे बोला जाएगा, वो मैं नहीं चाहती। सो मैं ये बोलूँगी यार यार बहुत अच्छा कुछ आने वाला है, ज़्यादा टेंशन मत लो। मैं खुद एक्साइटेड हूँ बताने के लिए और मैं बता नहीं पा रही हूँ। लाइक जब तक नहीं आ रहे तब तक एंटरटेनमेंट की रात इन्जॉय करो। आई वुड लव टू डू अ शो विद हर, पर अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं आएगा, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी उल्का के साथ। शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड आई लव हर सिंस झांसी की रानी। मतलब तब तो मेरी दोस्त भी नहीं थी, तब तो मैं फ़ैन थी उल्का की, अभी मैं फ्रेंड हो गई हूँ। तो तब से मुझे वो एज अ परफॉर्मर बहुत पसंद है, वो हर एक कैरेक्टर में जो ढल जाती है वो मुझे बहुत पसंद है, सो मैं ऑफकोर्स उसके साथ काम करना चाहूँगी कुछ। आगे की खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।